अरे भैया बच्चा पैदा करने का शौक है तो आओ भारत में, दो चार मर्द यहाँ से लुंगी पहनने वाले को लेके जाओ, देखो धड़ाधड़, देखो 1.5 साल यानी 18 महीने में 2 गो लड़का नहीं हटा दिया सब तब का। किसी के अंडर में रहेंगे ऊंचा आवाज में बोलेगा सुनना पड़ेगा, हमारा में पैदाइशी को खराबी, ऊंचे आवाज में हम बस राष्ट्रगान सुन सकते हैं और किसी की आवाज नहीं सुन सकते। सर आपको सलाम करूं या नमस्ते करूं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे इसके इर्द गिर्द भी रही है, पहले इसका जवाब मुझे आप दे दीजिए। सर ना आप हमें सलाम कीजिए ना हमें नमस्ते कीजिए, आप हमें जय हिंद कहिए, हम इस देश के हैं, देश के लिए बोलते हैं। चैनल पे हम बता रहे हैं कि 4 जून को मेरा अमेरिका में यूएस में भारतीय लोगों के लिए एक लेक्चर होने वाला है, जहां हम बताएंगे कि भारतीय लोग जो अमेरिका में बसे हैं वो किस तरह से इस देश के काम आ सकते हैं। तो वहां से उन लोगों ने कहा कि सर यूएस एम्बेसी आपका ओरिजिनल नाम मांग रहे हैं, हमने उन्हें अपना ओरिजिनल आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया, एक ऑथराइज पर्सन है ना यूएस एम्बेसी। अब आप पता चलता है कि सड़क छाप कोई हमको रोक के पूछे ऐ सुनो अपना नाम बताओ, क्या हम नाम बताते चलेंगे? अब यही काम बच गया। इसको पते नहीं, समझता है यही इंजीनियर ज्यादा ससुर सब, तो इसको इंजीनियर क्या समझ में, हम लोग के यहाँ दुनिया में सबसे पहले हम लोग का ससुरा का बच्चा जो होता है ना छोट छोट 2 महीना 3 महीना का, वो सब ससुरा टेक्नोलॉजी समझता है, वो भी सब सिग्नल समझता है। पेशाब नहीं करेगा ना तो क्या मम्मी पापा कहेंगे पेशाब कर लो, नहीं करेगा तो कहेंगे तुरंत कर देगा वो। कुछ भी रहे हम गलत को गलत ही बोलते हैं, कितनो हाँ 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 करे गलत को गलत ही बोलेंगे, समझ में आ गया कि नहीं? सीबीआई जांच नहीं बैठा था मई में हमरे खिलाफ, लेकिन सब हो गया था, ऐसा हाँ 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 किया था सब, हमसे पूछा सब कि लोग आपका विरोध कर रहे हैं, हम कहे कि लोग नहीं विरोध कर रहे हैं, कुछ कुछ फालतू लोग विरोध कर रहे हैं, आप इन्हें वैल्यू मत दीजिए, ये बस जनगणना के काम में आते हैं ये लोग। ये लोग ऐसे जानवरों को जानबूझ के खाते हैं ताकि इनके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता बढ़ सके, इन गधों में बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए ये जानवर को मार मार के पेंगोलिन का मांस मार मार के खाते हैं ताकि उनके यहाँ बच्चा पैदा किया जा सके। अरे भैया बच्चा पैदा करने का शौक है तो आओ भारत में, दो चार मर्द यहाँ से लुंगी पहनने वाले को लेके जाओ, देखो धड़ाधड़, देखो 1.5 साल यानी 18 महीने में 2 गो लड़का नहीं हटा दिया सब तब का। I don't need to pay you, so don't waste my time.
ये देखिए, ये दिल है असली धड़कने वाला और ये ससुरा है दिल पिटाने वाला, ये लात खिलवाता है। ये वो दिल है जिससे इंसान लात खाता है और ये वो दिल है जिससे इंसान जिंदा रहता है। ठीक है, आप लोग के पास ये दोनों है इसलिए आपका रिजल्ट होने में दिक्कत होता है। समझ गया, ये वाला खचरा है, ये वाला खचरा है, ये वाला सही, ये वाला खचरा है, ये सही है। हम आपको यदि जीवन में कभी कोई जरूरत पड़े ना तो आप पटना आइएगा, किसी से पूछिएगा खान सर कहाँ है, हम आपकी मदद कर देंगे। प्लीज किसी की जिंदगी मत बर्बाद करो, कोई गरीब आदमी भी फंस सकता है। हेलो, अरे भाई साहब तुम्हारी लॉटरी छोड़ो ना, तुम्हारा कंपनी खरीद लेंगे, तो हमारा लॉटरी दे रहा है। और आपको कौन कह दिया थाना में पैसे नहीं लगते हैं? देखिए, आप कभी कोई क्राइम कीजिएगा ना तो पुलिस कहेगी हाँ हाँ यही किया था, यही किया था, और जैसे पैसा दे दीजिएगा तो कहेगी ना 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 नहीं किया था, तो पहले था और पैसा देने के बाद ना, इसी को मिला देते हैं तो बनता है थाना, पुलिस स्टेशन। तो रुको जरा, सबर करो। और इसमें बैठा रहता है दरोगा, द चाहे रोवो चाहे गावो लेकिन द, रोगा के द लेकिन द, उसी को कहते हैं दरोगा। पाकिस्तान को धमकियां देना तो चाय वाले मोदी की मजबूरी है, लेकिन टांगे जरूर काफी होंगी कि अगर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया तो एक था मोदी या एक था हिंदुस्तान न हो जाए। वैसे हमारा वजीर आजम हमें वर्ल्ड कप तो दिलवा चुका है, सोच लें आपने हमला किया तो कहीं भारत भी हमें ना दिलवा दे। दादी से कैसे बात करते, चरण स्पर्श करा जाता है, पिताजी के पैर छुए जाते हैं, बेटा ऐसे बात नहीं करते। सिर्फ इसके पालन पोषण में दिक्कत है, इसको संस्कार घर में ठीक नहीं मिले। अब्बू से ऐसे बात कर रहा है, गलत बात मत करो। सुनो, मेजर को कुछ मत बोलना, मेजर अब्बू है तुम्हारा, अब्बू जी से इज्जत से बात करते हैं बेटा। गलती से मेरे सामने आ गए, एनकाउंटर हो जाएगा एनकाउंटर। चाइनीज बार बार गलती करते थे, तब घुस जाते थे, कहते थे कि तुम्हारा एरिया है, तो भारत ने इस बार व्यवस्था कर दिया, क्या किया वहाँ पे, इस तरह फेंसिंग बिछा दिया, तार बिछा दिया और कहा कि ओनिए रखना, और तार के अगर इधर आए ना तो तुम्हारे अब्बा खड़े हैं, लोग इधर बाबू जी तो रहे यहाँ पे धूम देगा तुम यहाँ पे। अब नहीं कहना कि गलती से आ गए थे, वापस जा वापस जा। पाकिस्तानियों को समस्या समझिए, वहाँ के लोगों में एजुकेशन नहीं है, वहाँ के लोगों को पता ही नहीं पर कैपिटा इनकम क्या होता है, उनके पास कोई पढ़ाई भी नहीं होता है ना, इतिहास पढ़ता थोड़ी है, इतिहास क्या पढ़ाएगा, 14 अगस्त 1947 अरे 1947 से तो इसका इतिहास बना, उससे पहले था नहीं, अगर पढ़ाएगा तो फिर भारत का पढ़ना पड़ेगा, भारत का वो चले पढ़ाएंगे नहीं, कैसे पढ़ाएंगे कि हम लोग के बाप भारत के ही थे। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। हम छोड़ के चल जाएंगे तो तेरे हिसाब से ना हो जाएंगे, हाँ, और हमको तुम ऊंचा आवाज में बोलेगा तो हमको सुनना पड़ेगा, किसी के अंडर में रहेंगे ऊंचा आवाज में बोलेगा सुनना पड़ेगा। हमारा में पैदाइशी को खराबी, ऊंची आवाज में हम बस राष्ट्रगान सुन सकते हैं और किसी की आवाज नहीं सुन सकते। अब तुम ससुरे 107 करोड़ दो चाहे चांद सूरज उठा के पृथ्वी पर रख दो, ऊंचे आवाज हम किसी का नहीं बर्दाश्त कर सकते। कौन मैसेज, राष्ट्रगान की बात अलग होती है, बाकी के लिए किसी आप लोगों से भी कह सकते हैं, जीना है अगर भारत में है तो ऊंचे आवाज में केवल राष्ट्रगान सुनिए, बाकी किसी की
बोले ना राखी लगा के जमान खींच लीजिए, ले इज्जत सबकी कीजिए, लेकिन जब बात आपकी इज्जत की आए किसी को नहीं बर्दाश्त, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता यहाँ पर। थोड़ा बहुत पैसा आगे पीछे होगा चलेगा, कोई चीज आगे, लेकिन इज्जत से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। भारत के पास पहले मिसाइल बनाने के बाद परीक्षण केंद्र जो था वो पोखरण में था, यहाँ परीक्षण करते थे, चांदीपुर में परीक्षण करते थे, व्हीलर द्वीप जिसका नाम कलाम द्वीप है उड़ीसा का, इसे करते थे, फिर नया जो था कर्नाटक के चित्रदुर्ग में परीक्षण करते थे। चार जगह हम लोग का परीक्षण केंद्र था, अभी नया नया पांचवा परीक्षण केंद्र खुल गया है पाकिस्तान। अब हम लोग हमेशा कभी कभी इधर परीक्षण करते रहेंगे ब्रह्मोस वगैरह का। और बड़ा तकलीफ होता है जब किसी गरीब के अकाउंट से हैक कर लेते हैं। अगर कोई हैकर है इस क्लास को देख रहे हैं तो भैया हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर किसी के अकाउंट में 25,000, 50,000 या उससे आसपास पैसे रहे तो आप अंदाजा लगा लो यार वो गरीब आदमी है, प्लीज उसका छोड़ दिया करो यार, बहुत मेहनत से पैसा कमाता है। अरे लूटना है तो ससुरा नेताओं का लूटो ना ससुरा, करोड़ों करोड़ों अकाउंट में होगा, खाली कर दो उसको, कौन जाता है। एक गरीब का मत लूटो यार, हाथ जोड़ के विनती करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी इतना अच्छा संबंध को ये भाई साहब बिगाड़ने पे लगा हुआ है, हद है भाई साहब, ये गजब है। इतिहास में इसको पढ़ाया जाएगा कि एक ऐसा भी प्रधानमंत्री था। हमारे यहाँ एक तो इसी को मामा थे, नाम था उनका कंस मामा, आपको तो पते होगा। हाँ, खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी। जय हिंद। बहुत ही मजेदार वीडियो था, आपने देखा ऑलरेडी, मेरे रिएक्शन को भी देखा, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा मजेदार मुझे लगा कि ऊंची आवाज में मैं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रगान ही सुन सकता हूँ, किसी दूसरे की आवाज नहीं। वो मुझे इतना अच्छा लगा, by God, मतलब मुझे goosebumps आ गए, बहुत ही मजेदार था वो, बहुत ही। और बीच में हमारे मेजर गौरव आर्या सर की जो थी कि बाप बाप होता है ना, जो कि पाकिस्तान के एक रिपोर्टर जो भी बोल रहे थे कि अच्छा आपने इस बार की मैच देखी ना, मैच मतलब किस किस ने नहीं, मुझे लगता है हर किसी ने देखा होगा, मैं देखी तो नहीं लेकिन कितना मजा आया सुन के। वाओ, थैंक्स इंडियन क्रिकेट टीम हमें इतना अच्छा अच्छा मोमेंट देने के लिए कि हम प्राउड फील करें हमारे कंट्री को लेकर, थैंक यू सो मच। इस बार तो मजा ही आ गया, और यस ये वीडियो देख के तो और मजा आ गया मुझे, तो आई होप आप सबको भी अच्छा लगा होगा। बहुत दिनों के बाद खान सर की वीडियो लेके मैं आई थी और लिखा तो था कि इंडियन आर्मी सिग्मा रूल्स भी है, लेकिन बस खान सर की ही सिग्मा रूल्स थी, लेकिन मुझे पता है कि आप सबको मजा आया होगा और आप सब ने बहुत एंजॉय किया होगा। एंड तक अगर देखिए आप सब ने तो प्लीज लाइक करना, अगर अच्छा लगे तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चाहे तो थैंक्स भी दे देना, सुपर थैंक्स। तो यस, इस वीडियो के साथ मैं यही पर रुकती हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।